friends, how are you? I hope that you all have been enjoying your studies with English by S. Goswami, my YouTube channel. Today in this video, we are going to know about the heritage of India. ये शायद सबसे important lessons में से एक है intermediate class के लिए prose में, and the writer is A. L. Basham. The lesson is heritage of India means भारत का उत्तराधिकार, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम किसी फैमिली में पैदा होते हैं, किसी कुल में पैदा होते हैं, तो वहाँ की कुछ पारंपरिक चीज़ें, वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी आदतें, या ऐसे पूजा पाठ की पद्धति, या ऐसे रहने सहने का तरीका, या चाल चलन, रहन सहन, ये सब लेके पैदा होते हैं. ये जेनेटिक फीचर्स हैं, ये डीएनए में होते हैं हमारे, जो हम लेके पैदा होते हैं, और धीरे धीरे वहाँ रहकर वो हमें और ज़्यादा ग्रो करते हैं उस चीज़ों को. उसके बारे में लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो भारत के लोग कैसा उत्तराधिकार लेकर पैदा हुए हैं, भारत की कहानी वीरों की कहानी है. हमारी वीर गाथा बड़ी महान है. ये महापुरुषों की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है. ये हमारा उत्तराधिकार है. यहाँ राणा प्रताप, शिवाजी जैसे महान योद्धा पैदा हुए. यहाँ भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए. भगवान कृष्ण जैसे महान लीला पुरुषोत्तम की धरती है. ये वो ज़मीन है जहाँ महाभारत काल के महान युद्ध हुए. एक एक योद्धा देखे हमने, जिनके बारे में पढ़ा हमने, भीष्म पितामह के बारे में पढ़ा हमने, अर्जुन और कर्ण के बारे में पढ़ा हमने, युधिष्ठिर के बारे में भी पढ़ा. तो ये सारी चीज़ें हमारा उत्तराधिकार है, हम लेकर पैदा हो रहे हैं. तो जब जब कोई इंडियन राइटर्स के बारे में लिखता है तो एक अलग प्रोस्पेक्टिव लेकर लिखता है, लेकिन जब कोई फॉरेनर लिखता है तो उसको कुछ अलग तरीके से लिखता है. तो आइए अब लेसन को आप शायद थोड़ा सा समझ पा रहे हैं. तो राइटर हमें बताना चाह रहा है ये कहानी 19th सेंचुरी की शुरुआत से, जब देश आज़ाद होने वाला था, तो आज़ादी के साथ साथ समाज सुधार शुरू हुआ. इन समाज सुधारकों में बहुत बड़े बड़े नाम थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी. इन तीन का जिक्र राइटर ने किया, मैं भी तीन की ही बात करूँगा. इन तीनों ने अलग अलग तरीके से हम सबको सिखाया कि हमें अपने भारत की मातृभूमि की रक्षा करनी है, इसकी सेवा करनी है, साथ ही साथ इसमें लगातार सुधार करना है. जैसा कि राजा राम मोहन ने कहा कि हम सबको समाज सेवा करनी चाहिए, और वो करते रहे. उन्हीं की बदौलत बहुत सी पुरानी चीज़ें जैसे बाल विवाह, मैंने लिखा है अर्ली चाइल्ड मैरिज, या विमेन इलिटरेसी, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, स्कूल नहीं जाती थी, वो शुरू हुआ. विधवा विवाह, सॉरी, पहले तो विधवाओं के सती प्रथा वो ख़त्म हुई, फिर विधवा विवाह भी बाद में शुरू हुआ. तो राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया. फिर एक नाम है महात्मा गांधी, जो सबसे बड़ा नाम है शायद, हर फील्ड में उनका जिक्र होता है, तो यहाँ भी है. उन्होंने समाज सुधार को एक धार्मिक कर्तव्य बताया, क्योंकि भारत की धरती पर जब जब चीज़ों को धर्म से जोड़ा जाता है, हम लोग ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, सेंटी हो जाते हैं, और उस काम को हम ज़्यादा जिम्मेदारी से करने लगते हैं. तो उन्होंने कहा कि मातृभूमि की सेवा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है, इसे हम अपने धर्म से जोड़ें. तीसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने थोड़ा रिलीजियस पैटर्न अपनाते हुए एक थोड़ा सा एक संत वाली बात अपना कहा. तो उन्होंने धरती को भारत माता कहा, हमारे देश को माँ कहा, कि हम ये मान के सेवा करें कि हमारी माँ है, इसको बचा के रखें, तो इसमें जो बुराइयाँ हैं पुरानी उन्हें दूर करें, अच्छाइयों को आगे कैरी करें, वही है हमारे द हेरिटेज ऑफ इंडिया. चाहे हमारी सच्चाई हो, ईमानदारी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आत्मसम्मान हो, या गलत बात का विरोध करना, सही का समर्थन करना, अच्छे के साथ खड़ा रहना, किसी के साथ युद्ध नहीं करना, अहिंसा के साथ चलना, ये हमारे कुछ हेरिटेज हैं, हमारे उत्तराधिकार हैं, जो हम लेके पैदा हुए हैं. शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फिर हम देख सकते हैं आगे, उन्होंने कहा है हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में बात करा है, कि हिंदू सिविलाइजेशन राइटर कहता है ये कंटिन्यूटी के बारे में बात करता है. आपने लिखा पढ़ा देखा होगा कहीं, चरैवेति. तो हिंदू संस्कृति चलन का नाम है, चलने का नाम है, या लगातार ये हमें आगे बढ़ने के बारे में प्रेरित करती है, कि हमें कभी रुकना नहीं है, अपनी खामियों को दूर करते हुए, अपनी कमियों को उजागर करते हुए, उन्हें ठीक करते हुए, हमें अपने धर्म को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि के साथ आगे ही चलना है, और खुद के साथ अपने देश को, अपनी मातृभूमि को आगे ही बढ़ाना है. ये हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया. देन कहा उपनिषद हैं, हमारे जो ग्रेट उपनिषद हैं वो विचारों से भरे हुए हैं, थॉटफुलनेस के बारे में बताते हैं, तरह तरह के विचारों के बारे में बताते हैं, हम उससे भी सीख सकते हैं. ये हमारे उत्तराधिकार हैं, जैसा पहले हुआ हमारे पूर्वजों ने किया, वही हमें भी करना है और करना ही चाहिए. फिर कहते हैं गीता कर्म के बारे में सिखाती है कि हमें कर्मशील बनना चाहिए, हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, हमें कर्मवादी बनना चाहिए. एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, मैं कोट करने का मेरा मन कर रहा है,
कि एक दो लोगों में एक डिबेट हो रहा है एक सॉन्ग में. एक कहता है हाथों की चंद लकीरों का मैं आशिक हूँ तकदीरों का. तो वो कहते हैं तकदीर है क्या मैं क्या जानूँ मैं आशिक हूँ तदवीरों का. सो हियर इज़ द बैटल अबाउट यू नो फैटलिज्म एंड द वर्क यू नो कह सकते हैं लेबर हार्ड वर्किंग. तो मेहनत कश इंसान कभी भी पीछे हटता नहीं है, हमें उसके साथ रहना चाहिए. एक मुझे और याद आ रहा है किसी मजदूर ने कहा शायद कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक हाथ नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे. सो द फॉर द हार्ड वर्किंग पीपल द वर्ल्ड इज नॉट मच. दुनिया शायद छोटी पड़ जाती है क्योंकि हम मेहनत कश हैं, हार्ड वर्किंग पीपल हैं, हमें आगे बढ़ना है और हर जगह अपनी मेहनत से कामयाबी के चिराग जलाना है. ठीक है, फिर एक लाइन है द स्टोरीज ऑफ द रामायण एंड महाभारत. और हमारे बच्चे हमारे पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है, हम लोग इन कहानियों को पढ़कर बड़े हुए हैं, इन कहानियों के बड़े बड़े किरदारों से कैरेक्टर्स से उनके यू नो कॉन्सेप्ट से उनकी थ्योरीज से उनके एग्जाम्पल से हम सीखते हैं और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सबक लेते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया डियर वंस. आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो तुरंत करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. सो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर अबाउट.